सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नई रेसिपी में। और इस बार हम बनाने वाले हैं हलवाई स्टाइल में पेड़ा। तो पेड़ा, मिल्क पेड़ा जो रेसिपी है वो हलवाई कैसे बनाते हैं, हलवाई का क्या तरीका होता है, सेम टू सेम हलवाई वाला तरीका बताने वाला हूँ। और हर चीज़ स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आप सभी को दिखाऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती रहे। और बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है और हर जगह पे बनाई जाती है और हर जगह लोग देखना पसंद करते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सोनी किचन में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, बस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हलवाई क्या करते हैं, सबसे पहले इस मशीन में बनाते हैं खोया। ये खोया बनाने वाली मशीन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बैच तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो दूसरा बैच बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें दूध डालना पड़ेगा। तो दूध एक बार में मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, 15 किलो का एक बैच होता है। तो 15 किलो यानी 15 लीटर दूध मैंने इसमें डाला है और 15 लीटर दूध बनने में करीब 20 मिनट ही इसमें लगेंगे, मशीन में तो 20 मिनट लगेंगे। और इसी में साथ में हम चीनी डाल देते हैं। तो चीनी मैंने 15 किलो दूध में 1200 ग्राम यूज़ किया है, मतलब कि 1 किलो दूध में आप 100 ग्राम या 80 ग्राम के करीब चीनी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे चीनी डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा इसका जो कलर है बिल्कुल वाइट रहे उसके लिए मैं थोड़ा सा हाइड्रो पाउडर डाल रहा हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत डालो। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें डाल दिया है। ये आप सब बाद में भी डाल सकते हो, चीनी भी बाद में हम कढ़ाई में अगर डाल के मिक्स करेंगे तो उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मशीन में ही सब कुछ डाल दिया है ताकि मशीन में ही बिल्कुल अच्छे से हो जाए। और बिल्कुल अच्छा बनता है मशीन में, इसीलिए मैं मशीन में यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल वाइट रहता है तो इसीलिए मशीन का यूज़ कर रहा हूँ। और सेम टू सेम जो प्रोसेस है वो आप कढ़ाई में भी कर सकते हो, तो कढ़ाई में बनाना और भी ज़्यादा इजी है। लेकिन वो अगर घर पे बना रहे हो तो आप कढ़ाई में बना सकते हो, लेकिन मशीन में क्या है कि टाइम कम लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसीलिए जो हलवाई है मशीन में यूज़ करते हैं, मशीन को यूज़ करते हैं। और एक तो टाइम इसमें कम लगता है कि अगर हम घर पे बना रहे हैं या कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसमें 1 घंटा 15 किलो को बनाने में लग जाता है, 15 लीटर दूध को 1 घंटा लग जाता है। और मशीन में ओनली 20 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे आप देख ही रहे हो कि 10 मिनट ही हुए हैं और 10 मिनट में बिल्कुल ठीक हो चुका है ये और बिल्कुल रबड़ी जैसा बन चुका है। तो बस इसमें 5 से 6 मिनट और लगेंगे, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। तो बिल्कुल हमें इसको थिक करना है, इतना थिक करना है कि ये बिल्कुल बर्फ़ी की तरह जमने लायक हो जाए, मतलब जमे ये बिल्कुल टाइट हो जाए। तो इस टाइम पे अभी थोड़ा सा और थिक होने देते हैं, तो अभी भी ज़्यादा थिक नहीं है, इसको थोड़ा सा और थिक हमें करना है जैसे कि इसका जो मशीन का नीचे वाला पार्ट है वो दिखने लग जाए। तो देखिए दिखाई देने लग गया है थोड़ा थोड़ा, और जो हमारी जो बर्फ़ी है खोया है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो रही है। इसी की सेम टू सेम बर्फ़ी भी बनाते हैं और इसी का हम पेड़ा भी बनाते हैं। तो बिल्कुल इस टाइम पे थिक हो चुका है, तो इस टाइम का इस टाइप का वो निकालने वाला हैंडल होता है उसका, तो इसी से हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। इतनी थिक हो जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल जमने के लिए रेडी है। अब ये जो हमारी बर्फ़ी है पेड़ा है ये बिल्कुल जम सकता है, मतलब ठंडे होने के बाद ये बिल्कुल थिक हो जाएगा, जमा हुआ बर्फ़ी की तरह रहेगा। और इससे अगर और ज़्यादा टाइट कर दिया तो क्या होगा कि थोड़ा जल्दी जम जाएगा लेकिन हार्ड भी हो सकता है, वो सूख भी सकता है। तो अब इस टाइम पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा निकाल के ऐसे हम फैला देंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए, और उसके बाद ठंडा होने के बाद इसको मैश करके हम इसका पेड़ा बनाएंगे। तो बस इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ हमने डाल दिया है। आप चाहो कोई एसेंस वगैरह डाल सकते हो, अगर कोई एसेंस आपके पास है तो वो डाल सकते हो, और इसको जब ठंडा करो तब डाल सकते हो, या इलायची पाउडर वगैरह आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो इसमें। तो बस मैंने तो इलायची पाउडर डाला है, बहुत है, एसेंस कोई नहीं डालूंगा मैं यहाँ पे। और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद मैं निकालता हूँ। तो देखिए ठंडे होने के बाद मैंने क्या किया है, सारे बैचेस तो मैंने पहले बना लिए थे, और सारे बैच बनाने के बाद एक परात में रखा और उसको ठंडा करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा मैश कर लिया है। तो मैश करने के बाद देखिए जब ठंडा हो जाता है ना तो हाथों में चिपकता नहीं है, देखिए मैं लड्डू जैसे बना रहा हूँ ना तब भी हाथ में चिपक नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये अब ये पेड़ा बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ठंडा होने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ें, अगर 1-2 घंटे में ठंडा करने की कोशिश की तो वो फिर हाथ में चिपचिपा सा लगेगा, तो वो पेड़ा सही से बनेगा नहीं, अगर बन भी गया तो वो फ्लैट हो जाएगा। तो इसीलिए उसको 4 से 5 घंटे तक उसको ठंडा करें। अब मैंने एक बर्तन में इसको ले लिया, थोड़ा सा मैश कर लेना है, तो मेरे हाथ से नहीं हो पा रहा था इसलिए मैंने किसी और की हेल्प ले ली है। अब यहाँ पर देखिए,
अब मैश करने के बाद हम क्या करेंगे, जो पेड़े का शेप है, जो भी शेप का आप बनाना चाहो, छोटे बड़े मोटे पतले जो भी आप शेप चाहते हो बनाना, उस शेप के इसके टुकड़े तोड़ लेंगे हम। तो छोटे छोटे या बड़े बड़े जो भी शेप के बनाना चाहो वो तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने नॉर्मल साइज़ का, मीडियम साइज़ का इसका जो टुकड़े हैं वो तोड़ लिए हैं। इससे भी छोटे बनते हैं, मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की है उसमें इससे छोटे बनाए थे मैंने, तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहो तो। सॉरी दोस्तों, वीडियो के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो अच्छी बात है, बस आप देख ले कि जो बगल में घंटी है वो ऑन है या नहीं, घंटी को ऑन कर लीजिए तभी आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल पाएंगी। तो थैंक यू सो मच, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उस वीडियो का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ से जाके देख सकते हो। तो देखिए हमने इसी तरह से सारे टुकड़े तोड़ लिए हैं इसके। अब इसके हम जो भी पीसेस में बनाना चाहें, जो अगर आप इसका कई तरह के मोल्ड भी आते हैं बनाने के लिए, लेकिन हम मोल्ड वाला नहीं, हम हाथ वाला बनाएंगे, हलवाई भी हाथ का ही यूज़ करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम गोल गोल पहले बना लेंगे, या फिर इसको अंगूठे से प्रेस कर दें तो और भी बढ़िया रहेगा, या फिर इसको इस तरह से फ्लैट कर दें जैसे मैं बना रहा हूँ, और उसके ऊपर आप कटे हुए पिस्ता बादाम या जो भी ड्राई फ्रूट आप इसके ऊपर लगाना चाहो, या फिर छोटी छोटी जो चेरीज आती हैं, चेरी या फिर टूटी फ्रूटी आप लगा सकते हो, कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए लगा सकते हो। तो इसको अच्छे से बिल्कुल क्लीन बॉल पहले बनाना है, उसके बाद फ्लैट कर देना, उसके बाद इसके क्या करना है, ड्राई फ्रूट लगा देना है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। अब जो डिस्प्ले काउंटर वाली जो ट्रे है वो हम रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए ऐसी अभी फ़िलहाल के लिए छोटी ट्रे लगा रहा हूँ मैं, तो इससे भी बड़ी बड़ी लगाई जाती है ट्रे तो, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल छोटी ट्रे में लगा रहा हूँ, और इसको हम अभी एडजस्ट करेंगे अपने डिस्प्ले काउंटर में। तो पहले इसमें लगा देते हैं अच्छे से, और ये देखिए अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी जो डिस्प्ले काउंटर वाली ट्रे है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको लेके चलते हैं, ट्रे लगाते हैं अपने डिस्प्ले काउंटर में। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना देखने में, और बिल्कुल वाइट बना है। और जैसे कि मशीन में मैंने बताया कि मशीन में खोया वाइट ही बनता है बिल्कुल, एक तो उस जलने का डर नहीं रहता और हाई फ्लेम पे हम चला सकते हैं उसको, इसीलिए इसमें वाइट बनता है। घर पे बना रहे हो तो हो सकता है थोड़ा बहुत कलर डार्क हो, या फिर आप चाहो तो मिल्क पाउडर का बना सकते हो, तो मिल्क पाउडर वाला वाइट रहेगा बिल्कुल। तो बस अब इसको लगा देते हैं डिस्प्ले काउंटर में। तो डिस्प्ले काउंटर में देखते हैं कहाँ जगह है, तो यहीं पे कहीं भी कोने में एडजस्ट कर देते हैं। तो जहाँ भी जगह मिला मैंने एडजस्ट कर दिया। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, फिर आपको पता लगेगा कि कैसा लग रहा है देखने में। तो चलिए बाहर चलते हैं काउंटर के। तो अब देखिए ये बाहर का सीन है, तो ये देखिए किस तरह से लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। और हाँ, ये जो सारी स्वीट्स आप देख रहे हो ना, इन सभी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, बिल्कुल हलवाई वाली रियल रेसिपी, और सारी की सारी मैंने रियल रेसिपी बताई है, और हर चीज़ मैंने इसमें बहुत ही बारीकी से आप सभी को समझाया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि आप लोग घर पर यही सारी स्वीट्स मार्केट वाली सेम टू सेम आप घर पे बना सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और हाँ अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं आपको, मेरे वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और बगल में जो घंटी वाला बटन है ना वो भी दबा लें। थैंक यू। कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।